हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल फूड एंड ब्लॉग्स पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं हमारा डिफो का व्यू पॉइंट दिखाने वाला हूँ और डिफो मार्केट भी दिखाऊंगा और भी कुछ नए चीज़ देखने मिलेंगे, तो मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, मैं अभी घर से निकल गया हूँ मेरा बाइक लेके। रास्ते का जो भी सीन है बहुत ही अच्छे अच्छे, पूरा रास्ता का व्यू दिखाऊंगा आप सभी को, मज़ा आने वाला है। हमारे डिफो रोड में क्या क्या है वो सब आज आपको देखने मिलेगा दोस्तों। तो अभी मैं रिक्रिएशन पार्क का सामने पहुंच गया हूँ। लेफ्ट साइड में गेट है गार्डन का, जो डिफो मंजर रोड में पड़ता है रिक्रिएशन पार्क। ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों डिफो टाउन का, और व्यू पॉइंट दिखाऊंगा आप सभी को। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं अभी डिफो पहुंच गया हूँ। ये शिवबाड़ी का शिव मंदिर है और साथ में काली माता का मंदिर भी है। काफ़ी अच्छा नज़ारा है दोस्तों, ये देखिए मंदिर शिवबाड़ी में पड़ता है ये। दोस्तों, यहाँ से राइट लेंगे तो डिफो टाउन लेके जाएगा, ये रास्ता बिल्कुल पास में है। तो फ्रेंड, पहले मैं आप सभी को व्यू पॉइंट दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं व्यू पॉइंट का आप चढ़ रहा हूँ, थोड़ा लंबा है ये आप, बड़ा है, पहुँचने वाला हूँ मैं अभी। ये आपको जैसे ही क्रॉस करूँगा तो व्यू पॉइंट का नज़ारा देखने मिलेंगे। तो ये व्यू पॉइंट का गेट है, पहुंच ही गया मैं। रास्ता थोड़ा ख़राब है यहाँ का, पहले से बहुत क्लीन लग रहा है ये प्लेस। फ्रेंड्स, मैं पहुंच गया यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, यहीं से चढ़ के दिखाऊंगा। पहुंच गया दोस्तों, अभी यहाँ पे चढ़ता हूँ फटाफट, उसके बाद आप सभी को डिफो का व्यू पॉइंट का नज़ारा दिखाता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा डिफो टाउन है ये। ये साइड का पहाड़ दिख रहा है, उसके बाद पहाड़ से राइट साइड देखेंगे तो ये पूरा डिफो टाउन बसा हुआ है यहाँ पे। फाइनली गाइस, मैं डिफो व्यू पॉइंट में पहुँच गया हूँ दोस्तों। देखिए व्यू पॉइंट हमारा, ये पीछे मेरा पूरा का पूरा डिफो टाउन बसा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों पीछे, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। इस बिल्डिंग में दोस्तों जो व्यू पॉइंट का ख्याल रखते हैं वो रहते हैं यहाँ पे। काफ़ी क्लीन है ये प्लेस, देखिए फ्रेंड्स, ये है व्यू पॉइंट, यहाँ से पूरा डिफो नज़र आ रहा है। काफ़ी ऊपर चढ़ा हूँ मैं, पहाड़ में हूँ, यहाँ से तो सब छोटा छोटा ही दिख रहा है। देखिए फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा है ये जगह, बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ टाउन, डिफो टाउन। दोस्तों, अभी हम लोग व्यू पॉइंट से निकल गए दोस्तों, अभी डाउन उतर रहे हैं। आप तो चढ़ गए थे उस टाइम, धीरे धीरे उतरेंगे दोस्तों। दोस्तों, मैं टाउन पहुँच गया, ये देखिए टाउन का नज़ारा। आज ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, अभी भी ट्रैफिक लगा हुआ है। ये ऑटो स्टैंड है, यहीं से ऑटो जाता है बिरला, रंगखेला, मंजा, यहीं से ऑटो मिल जाएगा आपको जाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ से बाज़ार घुसेंगे हम। ये सब्जी बाज़ार का कुछ नज़ारा है,
काफ़ी भीड़ है आज सब्जी मार्केट में। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ऑनियन खरीदूँगा, मैं ले लिया हूँ ऑनियन 2 kg लिया 70 rupees का, 1 kg का 40 बोल रहे थे बट मैं 2 kg 70 में लिया। दोस्तों यहाँ देखिए हमारा पहाड़ी सब्जी मिलेगा, पहाड़ी इलाका का एकदम फ्रेश फ्रेश बिना खाद बिना मेडिसिन का। यहाँ पे साग भाजी का मार्केट है, हमारे यहाँ का लोकल आदमी लोग यहाँ पे मार्केट लगाते हैं डेली मार्केट। यहाँ पे सूखा मछली मिलेगा फ्रेंड्स, तो चलिए आप सभी को मार्केटिंग दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ से मार्केट से मैं निकल गया, इसी रोड पे व्यू पॉइंट भी है पीछे तरफ, यहाँ से राइट लेंगे तो मार्केटिंग आएगा, तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स मार्केटिंग पार्क में पहुँच गया हूँ, पास में है, आप सभी को गेट नज़र आ रहा होगा लेफ्ट साइड में ऊपर, यही मार्केटिंग का गेट है, अंदर पार्क है। तो आज मैं आप सभी को सिर्फ बाहर से ही दिखाऊंगा, अंदर तो जाने का आज टाइम नहीं मिला, लेट हो गया मैं काफ़ी, तो आपको कभी दिखाऊंगा अंदर का नज़ारा। तो ये है फ्रेंड्स बाहर से ऐसा दिखता है, कैसे लग रहा है बताइएगा कमेंट करके, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और आप सभी को ये सब नज़ारा दिखा के मुझे बहुत खुशी मिल रहा है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, मैं घर के लिए निकल गया हूँ फ्रेंड्स, आगे आपको देखने मिलेगा एक गेट जो तारालांग से पड़ता है, जहाँ फेस्टिवल होता है ना कार्बी आंगलोंग का सबसे बड़ा फेस्टिवल, इसका अंदर होता है कार्बी यूथ फेस्टिवल, फरवरी में होता है, आप लोग विजिट ज़रूर करें दोस्तों। आगे लेफ्ट साइड में श्री गणेश जी का मंदिर है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड बाय दोस्तों।